आज देखते हैं करडी का हल करेंगे। सक्सेस एकेडमी में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। करडी हमारा क्वेश्चन है, पूरे का रूट 5 प्लस 2 करडी 6 माइनस 1 बाई पूरे का करडी 5 प्लस 2 करडी 6। इसका गुणनफल करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 और जोड़ेंगे तो 5, कितना होगा 5, इसके बराबर आ गया। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं यहाँ का, करडी 3 प्लस करडी 2। इतना का हम क्या लिख सकते हैं, करडी 3 प्लस करडी 2 माइनस 1 बाई करडी 5 प्लस 2 करडी 6। जस्ट इसको भी हम करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, तो करडी 3 प्लस करडी 2 माइनस 1 बाई करडी 3 प्लस करडी 2। अब जस्ट इसका परिमेयकरण करेंगे, जस्ट इसका क्या करेंगे परिमेयकरण, तो हो जाएगा वह हो जाएगा माइनस 1 बटे करडी 3 प्लस करडी 2 मल्टीप्लाई करडी 3 माइनस करडी 2 अपान करडी 3 माइनस करडी 2। दोनों के अंश और हर में ये प्लस था वो माइनस हो गया, तब जाके वो क्या कहलाता है, परिमेयकरण कहलाता है। अब इसको लिखेंगे करडी 3 प्लस करडी 2 माइनस, अब एक के साथ में इतना का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो होगा करडी 3 माइनस करडी 2 अपान, ये करडी 3 करडी 2 करडी 3 करडी 2 ये सूत्र के रूप में दिखाई दे रहा है, तो उसको लिखेंगे करडी 3 पूरे का होल स्क्वायर माइनस करडी 2 पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, इस सूत्र को रूप में दिख रहा है तो वर्ग और वर्गमूल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो लिखेंगे करडी 3 प्लस करडी 2 माइनस, कोष्टक ले लेते हैं करडी 3 माइनस करडी 2 ब्रैकेट क्लोज अपान, ये वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा तो बचेगा 3, ये वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा तो माइनस 2। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा करडी 3 प्लस करडी 2 माइनस, ब्रैकेट लेंगे करडी 3 माइनस करडी 2 ब्रैकेट क्लोज और 3 में 1 निकाल देंगे तो 1 बचा, कितना बचा 1 बचा, तो 1 का कोई महत्व नहीं होता, तो लिखेंगे करडी 3 प्लस करडी 2। अब ये यही पर स्टूडेंट धोखा खाते हैं, ये माइनस का जस्ट अंदर में गुणा हो जाएगा तो होगा माइनस करडी 3 ऋण और ऋण का गुणा धन करडी 2। अब ये प्लस और ये माइनस आपस में कट गया, बचा क्या 1 करडी 2 1 करडी 2, तो दोनों को जोड़कर लिखेंगे 2 करडी 2 आंसर, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब पुनः साथियों देखते हैं, पूरे का करडी 8 प्लस 3 करडी 7, इसको हम कैसे हल करेंगे, तो जस्ट ये 8 दिखाई दे रहा है और प्लस 3, इसको हमें हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर लिख देंगे करडी 8 प्लस 2 बाई 2 मल्टीप्लाई 3 करडी 7 3 करडी 7, तो यहां से एलसीएम बन जाएगा तो होगा करडी 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस 2 करडी 3 करडी 7। अब क्या करेंगे, पूरे का यहां पर आ जाएगा वर्गमूल 2, क्योंकि ये पूरे का वर्गमूल इससे क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, करडी 16 प्लस ये 2 हो जाएगा, अब ये 3 को हम इधर लाएंगे तो उसका हम वर्ग बना के ले जाएंगे, वर्ग बना के ले जाएंगे तो हो जाएगा करडी 9 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि रूट से जब निकालेंगे 3 को तो ये 3 रहेगा, क्योंकि वर्गमूल 3 का वर्ग 9
और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो अब यहां पर हम करेंगे बटे करड़ी 2। अब यहां पर देखते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट 16 प्लस 2 करड़ी 7, 9 जा 63। अब इसको हम दो भाग में तोड़ देंगे, तो 9 और 7, 9 7 कितना होता है 16, 9 7 कितना होता है 16। अब 9 और 7 को जोड़े तो कितना आया 16। अब इधर का काम खत्म हो गया है और बचा है सिर्फ इतना का बचा है सर, और ये रूट का बचा है, तो हम उसको लिखेंगे करड़ी पूरे का 16 प्लस 2 और ये करड़ी आपका 9 प्लस करड़ी आपको लिखेंगे 7 और पूरे का करड़ी 2। अब इधर का काम खत्म हो गया है, बचा है इतना का, तो अब हम लिखेंगे उसको करड़ी 9 प्लस करड़ी 7 अपान करड़ी 2। अब ये वर्गमूल अंदर में 9 है तो 9 को वर्गमूल 3 होता है प्लस वर्गमूल क्या हो जाएगा 7 बाई अंडर रूट 2। ये रहा हमारा आंसर, तो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो सेकेंडों में हल हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, पूरे का करड़ी 10 प्लस 3 करड़ी 4, 3 करड़ी 4। तो जस्ट दिमाग को घुमाना है, इसका गुणनखल लेना है, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। तो डायरेक्ट इसका वर्गमूल निकल रहा है 4 का 2, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। तो ये हो जाएगा करड़ी 10 प्लस 2 दिया कितना हो गया 6, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो करड़ी 16 और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। ये हमारा हो गया आंसर, सेकेंडो में हो जाएगा करड़ी 5 प्लस 2 करड़ी 6। जस्ट इसका गुणनखंड निकालेंगे 3 2 गुणा करेंगे तो कितना आया 6 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, 3 और 2 5 और 3 दोने 6। तो इसको हम लिखेंगे डायरेक्ट करड़ी 3 प्लस करड़ी 2 आंसर। अगला प्रश्न है करड़ी, करड़ी के रूप में लिखेंगे हम लोग 10 प्लस 2 करड़ी 9। जस्ट इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे तो करड़ी हो जाएगा 10 प्लस 2 करड़ी हट जाएगा तो 3 आएगा, तो इसको लिखेंगे करड़ी 10 प्लस 2 तिया 6 और वर्गमूल कितना आ रहा है 10 और 6 16 इक्वल टू 4। ये भी इसका आंसर, करड़ी 8 माइनस 2 करड़ी 15 माइनस लिखेंगे करड़ी 5 प्लस 2 करड़ी 6। अब ये हो जाएगा हमारा 3 5 दिया कितना होता है 15 होता है, और 5 और 3 को जोड़ने पर कितना आएगा 8 आएगा, और यहाँ माइनस है तो हम लिखेंगे करड़ी 5 माइनस करड़ी 3। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस ये पूरे का रूट 5 प्लस 2 करड़ी 6, इसका गुणनफल कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, गुणा करेंगे तो 6 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। तो लिखेंगे करड़ी 5 माइनस करड़ी 3 माइनस पुस्तक में आ जाएगा करड़ी 3, इसको करड़ी बनाएंगे, इसको भी करड़ी बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस है तो प्लस करड़ी 2। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो करड़ी 5 माइनस करड़ी 3 माइनस करड़ी 3, क्योंकि रीढ़ का इसको गुणा कर रहे हैं, रीढ़ धन का गुणा रीढ़, धन और रीढ़ का गुणा रीढ़, करड़ी क्या हो गया 2। अब क्या करेंगे जो सेम हो उसको जोड़ देंगे, तो ये करड़ी 5 ये माइनस है, ये माइनस करके क्या हो जाएगा माइनस 2 करड़ी 3 माइनस 2 आंसर, करड़ी 2 आंसर। सॉरी यहां देखेंगे ये गलती से 2 लिख दिया हूं,
ये रहने के लिए कितना रहेगा, 5 रहेगा। तो करडी 5 माइनस 2, करडी 3 माइनस करडी 2, ये आंसर बन जाएगा। ये गलती से मैं लिख दिया था, ये 5 है।